बसीर कुछ कहना है? नहीं सर, बस आपसे ये कहना है कि ये जर्नी ने मुझे फिर से अपने आप से रूबरू करवाया है. नो रिग्रेट्स, नथिंग एट ऑल. जिसके साथ जैसा किया, जो किया, सही किया. मेरे को सही लगा है तो सही किया. मैं चाहता हूँ कि मैं दिमाग से काम लूँ, बट मेरा दिल कहता है कि ये बंदे में दम है. सत श्री अकाल सर जी. सत श्री अकाल. आप कौन? बसीर अली. अपने बारे में कुछ बताओ, कैसे हो, क्या, कहाँ से आते हो, फैमिली में कितने लोग हैं? हैदराबाद से हूँ सर, 21 ईयर ओल्ड. आई फिनिश माई ग्रेजुएशन, अभी ख़त्म हुआ है. आई हैव अ सिंगल पेरेंट मदर, एक. एंड व्हाई? माई फादर लेफ्ट अस व्हेन आई वाज 5. ही लेफ्ट अस फॉर समवन एल्स. किसी और से उनको प्यार हो गया था और उन्होंने हमको छोड़ दिया. आपकी उम्र क्या थी? मैं शायद 5 साल का था. और आपके भाई? वो मेरे से 6 साल बड़े हैं, वो 11 साल के थे. फिर मॉम ने आपको पाल पोस के बड़ा किया? टिल 2007 तक. एंड उसके बाद हमने उनकी फिर से शादी करवाई. 2007 में आपने शादी कराई मॉम की? मैं और मेरे बड़े भाई ने. वाओ मैन, दैट्स अमेजिंग. तो अपने मॉम की शादी में तुम लोगों ने धूमधाम से? अरे बहुत ज्यादा सर. मरफा हैदराबादी, आपको तो पता है ना मरफा. करके दिखा थोड़ा. डांस करोगे? हाँ बिल्कुल. बजा दे म्यूजिक फिर. क्या MTV बीट्स? ब्लड में है बीट. मॉम वाज स्ट्रिक्ट? हैड टू बी. अब मेरे जैसा बेटा है 6 फुट 2 इंच का, तो थोड़ा डर रहता है उनको. मैं बहुत थोड़ा एग्रेसिव था. एक चीज़ बोली उन्होंने ज़िंदगी में, मैं वो एक चीज़ की बात बहुत बदला सर. ऑनेस्टली मैं हर दूसरे दिन, मेरी एक कोई लड़ाई हो जाती, एरिया में किसी से लड़ लेता, कॉलेज में हर एवरी ईयर, फर्स्ट ईयर में इशू, सेकेंड ईयर में इशू, थर्ड ईयर में इशू. एक बार मॉम ने बस ये बात बताई कि तुम्हारे बाबा की भी यही आदत थी बसीर, गुस्सा. आई हैव सीन हर गेटिंग बीटन अप सर. तो मॉम ने बस एक ही बात बताई कि मैं तुम्हारे बाबा को एक ही रीज़न से छोड़ी कि उसका गुस्सा पागल था, वो बंदा सही नहीं था और तुम उसके रास्ते पे जा रहे हो. तुम डिसाइड करो तुम्हारे मेरे साथ रहना है या तुम्हारे बदलना है. एंड फ्रॉम दैट डे टिल टुडे आई हैव नेवर फॉट. आई हैव लेफ्ट, आई हैव क्विट एवरीथिंग. तो जो आपके बायोलॉजिकल फादर हैं वो कहाँ पे हैं? मिलते रहता हूँ मैं उनसे, वो हैदराबाद में ही रहते हैं. यही मंथ एक फुल भीड़ जमी है. मैं ऐसा कार में जा रहा हूँ, मेरी कार में, एंड आई सी वो बीच में खड़े हैं. 30-40 लोग उनको घेरे हुए हैं. उनकी कार में उनकी सेकेंड वाइफ बैठी है. मैं ऐसा गया, सारे लोग अस्सलाम वालेकुम बसीर भाई, अस्सलाम वालेकुम बसीर भाई, अस्सलाम वालेकुम बसीर भाई, वालेकुम सलाम. माई फादर टर्न लाइक दैट एंड देन सबको हटाया वहाँ से. वहाँ पे वो एक एरिया का गुंडा था, उसको बोला क्या मेरा बाप है, चल. वो हट गया. मेरे डैड बहुत खुश हुए मेरे से, बोले कि मुझे पता नहीं था कि तू बड़ा हो के क्या गुंडे को पैदा किया. नहीं नहीं, इज्जत बनाया सर. चलो डर से होगा या कुछ उससे होगा, बट इज्जत. खुश बेटा बड़ा हो के गुंडा. बशीर भाई, बशीर भाई, इज्जत बनाया कैसे? बनाया क्या करके बनाया सर? ओके, स्टार्टिंग हुई लड़ाइयों से, उससे इज्जत बनती है. लोगों को चाहिए था पावर, स्कूल में बच्चों को तो पावर चाहिए. हाँ उसके पास पावर, इसके साथ हमेशा 4 बच्चे घूमते, मेरी लड़ाई हुई तो ये मेरे काम आएगा, आके चिपक जाते थे. तो फिर वो इज्जत गुंडे वाली इज्जत ही हुई ना वहाँ. वी ट्राई टू गेट. उसके बाद हाँ, उसके बाद YouTube स्टार्ट हुआ. YouTube पे क्या करते हैं आप? हैदराबादी बेसिक हैदराबादी लिंग्विस्टिक वाइंस बनाते हैं मैम हम लोग. तो बात करना उसमें हमें पता ही नहीं लग रहा. मेरे को तो पता है हैदराबादी. आप लोग ने द अंग्रेज देखी सर? हाँ. आई टेल यू अ डायलॉग. परसों ढबीलपुरे पे क्या लड़ाई हुई मालूम? छिंदिया लड़ाई हुई. छावा बोल तो मैं इकबाल खलील पटेल मल्ल सिन्हा फेरोज देखो पूरे कैसे लड़ी में खाली लटो से दिए घाप घीप घाप घीप घाप घीप. मैं क्या करा बोलते, लब्बर की चप्पल डाल लेके काट डब्बी सिलगा लेके दीवार कूद के वो दिया वो दिया वो दिया. फिर इकबाल को खींचा दे, यार इकबाल तू भी तो गर्दन पे खींचे, तू भी तो भैरिया खींचते. तो इकबाल क्या बोल रहा, मेरे पास सर्कल डरा था, मैं कैसा खींचना पूछ रहा मेरे. यार ये मैंने देखा हुआ तेरा, मैंने देखा हुआ है इसको, बहुत जबरदस्त करते हैं ये लोग. क्या बात है, ये हुई ना इज्जत. पता नहीं था कि ये करते हैं ये लोग. हाँ सर आप YouTube पे देख सकते हो हबीबीज वाइंस. हबीबीज हाँ है यार, हबीबीज वाइंस. हाँ थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको मेरे वीडियोस मिलेंगे, बिकॉज बीच में मेरे ग्रुप से थोड़ी अनबन हो गई थी तो मैं ग्रुप क्विट कर दिया. लड़ाई छोड़ी नहीं आपने? आई एम गेटिंग एट दैट. यू थिंक यू हैव लेफ्ट इट? नहीं नहीं, लड़ाई इन द सेंस आर्ग्यूमेंट हो गया था वो सोशल. लड़ाई को इंग्लिश में फाइट या आर्ग्यूमेंट बोल सकते हैं, चाहे वो फिजिकल हो या ना हो. आपकी माताजी ने जो बोला था, आपने वो बात पूरी तरह अपने जहन से नहीं निकाली, क्योंकि एक चीज जो आपके लिए वर्क कर रही है, जिसकी वजह से एक लेजेंड आपको जानते हैं,
उसके भी आप पार्ट नहीं रह पाए, जिसकी आप यहाँ पे ढींगे मार रहे हैं ना, आपने उनसे भी आर्ग्यूमेंट कर लिया, ये नहीं सोचा कि ये आपके फायदे के लिए अच्छा होगा, थोड़ी सी अपनी जो ईगो है उसको हाँ, पर नहीं, वहां पर भी आपने आर्ग्यूमेंट कर लिया, इसीलिए मुझे नीचे वाले वीडियो पर जाने पड़ा है। आई एम गेटिंग एट दैट ओनली, सॉरी सर, वी आर नॉट हियर टू चेक आउट योर यूट्यूब वीडियोस, वी चेक आउट, वी आर चेकिंग यू आउट। और आपकी पर्सनालिटी में बहुत क्लियर है कि एक दिन अगर आपको किसी ने सिलेक्ट कर लिया, आपकी उनके साथ भी अनबन हो सकती है। वाई शुड बी सिलेक्ट यू? तू तो हमसे आर्ग्यूमेंट कर बैठेगा, तूने अपनी मॉम की एक बात नहीं सुनी जिनकी वजह से उनकी जिंदगी खराब हो गई थी, आपकी खराब हो गई थी। रोडी से क्या चाहता है? फेमस होना है सर, एंड लाइक तू आप जैसे स्टार्ट किए, यू किक स्टार्टेड विद दिस, तुझे बेसिकली मैं बसीर, तेरे को रणविजय बनना है। आई वाज आस्क्ड दिस वन क्वेश्चन सर, मेरे को ये पूछा गया था नहीं, एक कि तुझे रणविजय सिंह बनना है या सलमान खान। हाँ, मैं बोला रणविजय सिंह बनना। हरभजन भाई कह रहे हैं ये रन्नू तो मैं बहुत टाइम से जानता है, ये कि हवा बना रखे हैं लोगों ने। ये पहली बात तो यार, मुझे एक पहले मैं पूना गया था जी सर, वहाँ मैंने बड़ा कुछ देखा, अब मैं आज यहाँ आया हूँ, मुझे एक बात तो समझ आ गई, मैं उठ के तेरे को एक सलूट मार दूंगा। सचिन तेंदुलकर रोडीज का यही है, तो ये मुझे आज पता लग गया भाई, बहुत बढ़िया। ना बट सीरियसली, एवरीवन हु कम्स हियर दे वांट टू बी विद यू, दे वांट टू बी लाइक यू, सो ऑब्वियसली यू आर, सोचो भाई कितना क्या बड़ी बात है, सोचो इनकी स्ट्रगल, सोचो कमाल है, जबरदस्त, वेल डन यार रणविजय भाई। इसकी हमने बातें तो बड़ी सुन ली हैं, तेरी स्ट्रेंथ जरूर टेस्ट करेंगे और ऑब्वियसली तेरे गुरु ही बताएंगे क्या तुझे करना। एक तो टायर पहले अपनी कर लेंगे। इसको पकड़ेंगे ऐसे टायर को, ये करेंगे ऊपर उठेंगे, टायर को नीचे रखेंगे, इसके ऊपर जंप मारेंगे और खड़े ये तो बहुत देखिए तो सही कि एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ कहते हैं इसको, है कि नहीं? या नीचे गिर, जंप, खड़े हो जा, चल ये एक सेट है, 10 करने हैं, 10। रिमेंबर दिस इज योर ओनली चांस, गिव इट ऑल यू गॉट। बशीर भाई सलाम वालेकुम, ऊपर जाके, ऊपर ऊपर जाके बशीर भाई सलाम वालेकुम, पूरे एटीट्यूड से, फुल एटीट्यूड, जैसे वो गाड़ी के पास गया था। Yes! Come on! Nice! Come on! I love games, buddy. Walaikum salam. Come on! Come on, brother. Come on. अब रख दे, अब रख, अब इसके ऊपर कूदी मार, हाँ वापस जा, कम ऑन कूदी, आजा 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 आजा, स्टैमिना स्टैमिना कुछ करना है, यस नाइस, कम ऑन लास्ट वन मोर, कम ऑन 21 इयर्स ओल्ड मैन, या नाइस। ओके नाउ बसीर, अब हम लोग 10 सेकंड लेंगे और अगर हम में से किसी ने कर दिया तो आप उनके गैंग में हैं, अदरवाइज बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आपको सिलेक्ट नहीं किया, मैं चाहता हूं कि आपको लाइफ में आपके बड़े भाई या आपके पिताजी, स्टेप डैड, मॉम आपके साथ 2-3 बार यही करें जो हमने आज किया है। पोटेंशियल है, लेकिन आपको एक बार रोक दे ताकि आपको रियलाइज हो कि इस पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए मुझे थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। योर काइंड ऑफ पर्सनैलिटी जिसको अगर बहुत जल्दी बहुत कुछ मिल गया ना तो 25 तक बर्बाद हो जाएगा, मुझे ये पता है। इट वाज ग्रेट मीटिंग यू, आई एम प्रीटी श्योर कि मैं तेरे को लाइफ में दोबारा मिलूंगा। थैंक यू सर, सी यू मैन। थैंक यू बसीर, बाय बसीर।
Yes, sir. छोटी उम्र में मुझे भी मौका मिला था इंडिया को खेलने के लिए, और शुरू में दिमाग खराब हुआ था कि लगता था कि मैं बाकी दुनिया से कुछ अलग बन गया हूँ। मैं 19 साल का था, थोड़ा मैं रास्ता भूल गया था। मेरे कोचेज या मेरे बड़े जो लोग थे उन्होंने मुझे गाइड किया, बट 20 साल की उम्र में मैंने जब वो कम बैक किया तो उसके बाद मैं लगातार 15 साल खेला हूँ। फिर तो आई फील इसमें वो चीज़ मुझे दिखी है जो आप लोगों ने भी कहा है कि इसमें वो दम है कि ये शो में रह सकता है, ये हर टास्क कर सकता है, बट इसको सिर्फ और सिर्फ चैनलाइज करना है, और उसके लिए वो आप गुरु लोग हो। थैंक यू सो मच। ओके पाजी, आप आई नो यू आर डूइंग द राइट थिंग। कोचिंग कैंप में आप किसी प्लेयर को देखते हो, आप बोलते हो यार इसको गाइडेंस मिल जाए, तो हमारे पास सिर्फ 5 लोगों की जगह है। आप गूगली पे गूगली डाल रहे हो, आपने पहले ही इधर गूगली मार चुके हो, मेरे को गूगली मार चुके हो, मैं उसको भी संभालें, इसको भी संभालें आगे। आई एम सॉरी, मैं चाहता हूँ कि मैं दिमाग से काम लूँ, बट मेरा दिल कहता है कि ये बंदे में दम है। भाई तेरे लिए मैं इतना लड़ रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर, मींस द वर्ल्ड। मेरी नाक तो नहीं कटवाएगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ऑलरेडी देखो, रन को और नेहा को मैं गूगली डाल चुका हूँ, और अब बचे हैं मेरे दो भाई, करण और प्रिंस। चॉइस तेरे पास है। I'll go with field experience, sir. Prince. Congratulations, you're on roadies, man. Thank you so much. मजा आएगा।